बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 26 न्यूज़ से मैं हूं जावेद खोखर। आइए खबरों का आगाज करते हैं। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार पलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज साइंस काले के सामने बम धमाका में 15 जख्मी अफराद के नाम मोहम्मद अदरीस वल जरबत खान, मुसवर वल वली जान, नूर मोहम्मद वल फिदा खान, सनाल्ला वल मोहम्मद अक्रम, हबीबुल्ला वल मोहम्मद, मोहम्मद रमजान वल मोहम्मद सादक, जहूर अहमद वल मोहम्मद जहूर अहमद वल दोस्त मोहम्मद, मोहम्मद फारूक वल अब्दुल मनान, बिलाल मोहम्मद वल जाफरान, नकीबुल्ला वल मोहम्मद आलम, नजीबुल्ला वल करीम खान, अजीज़ुल्ला वल रहीमुल्ला, नादर वल हैदर, जमील अहमद वल सरवर, अब्दुल हादी वल गुल मोहम्मद। साइंस काले के सामने बम धमाका में शहीद अफराद का नाम मोहम्मद अक्रम वल खान मोहम्मद, शरफुद्दीन वल नियाज मोहम्मद, यूनस आगा वल आगा जान नाम अलोम, मजीद तफ्तीश जारी है। 26 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में दरिंदगी का वाक़ा पेश आया, जहां पर 4 मुलजमान ने खातून को मुबीना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला और मुतासरा खातून को एक मकान में बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस हकाम ने बताया कि खातून की मदियत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद वफाकी दारुलकुम ने ईवान सदर 1 जनवरी 2022 को पब्लिक लिए खुला रहेगा। इस्लामाबाद में आवाम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ईवान सदर का विजिट कर सकेंगे। इस दौरान विजिटर के लिए फेस मास्क और लाजमी करार दिया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी चेक होगा। ईवान सदर आने वालों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन कैमरा पर पाबंदी होगी।